हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। आई एम विपुल सैनी, फैकल्टी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एपेक्स एकेडमी रुड़की। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इन द प्रीवियस लेक्चर वी सी ऑल द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सॉइल का ओरिजिन, मीन्स वट इज़ द ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड हाउ सॉइल फॉर्म्स। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सॉइल की डेफिनेशन से। तो सॉइल की जो डेफिनेशन है वो मेनली थ्री पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल। सॉइल इज अ अनकंसोलिडेटेड मटीरियल। सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल। हेयर इज द वर्ड अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड मीन्स, कंसोलिडेटेड मीन्स टू कंबाइन। और हम अगर किसी भी वर्ड के सामने अन लगाएं या डिस लगाएं, दिस मीन्स नॉट टू, मीन्स नॉट। सो द मीनिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड इज नॉट टू कंबाइन, मीन्स सॉइल एक ऐसा मटीरियल है जो खुद से कंबाइन नहीं हो सकता। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल विच इज कंप्राइज ऑफ सॉलिड, वॉटर एंड एयर, विच कंप्राइज ऑफ सॉलिड, वॉटर, एयर और बोथ और ऑल। ठीक है, तो सॉइल की जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि जो सॉइल बनता है वो बनता है सॉलिड पार्टिकल से, और जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, एयर भी प्रेजेंट होता है, या दोनों होंगे या ये सभी होंगे। तो देखते हैं, सॉलिड, सॉलिड के बिना सॉइल नहीं होगा, मींस दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ओके, तो सॉइल अगर वाटर के साथ कंबाइंड है या सॉइल अगर एयर के साथ कंबाइंड है, कैसे? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज स्ट्रक्चर के थ्रू। तो हमारे पास दो फेज स्ट्रक्चर होते हैं, पहला टू फेज स्ट्रक्चर और जो दूसरा होता है वो होता है थ्री फेज स्ट्रक्चर। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं जो फेज स्ट्रक्चर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज स्ट्रक्चर। दिस इज सॉलिड पार्ट ऑफ द सॉइल एंड रेस्ट इज द वॉइड, मीन्स सॉलिड पार्ट के अलावा सॉइल के अंदर जितना भी वॉल्यूम है वो वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। उस वॉइड्स में वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है। ठीक है, अगर वाटर एयर दोनों हुआ तो इसको हम बोलते हैं थ्री फेज स्ट्रक्चर। लेकिन अगर सॉइल के साथ सिर्फ वाटर हुआ या सिर्फ एयर हुआ तो उसको हम बोलते हैं टू फेज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज इट कंप्राइज ऑफ सॉलिड, वाटर, एयर और बोथ और ऑल। और बोथ का मतलब या तो सॉलिड प्लस वाटर या सॉलिड प्लस एयर, और ऑल का मतलब थ्री फेज स्ट्रक्चर, मींस सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। ओके, सो सॉइल इज वॉट? सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल विच कंप्राइज ऑफ सॉलिड, वॉटर, एयर और बोथ और ऑल। एंड थर्ड पॉइंट इज एंड फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ओके, सो डिसइंटीग्रेशन मीन्स, इंटीग्रेशन मीन्स वॉट? मैथ में हमने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मीन्स समथिंग विच इज टू बी इंक्रीज। ठीक है, और किसी भी वर्ड के अगर हम सामने डिस लगा दे या अन लगा दे तो उसका मतलब होता है नॉट। दिस मीन्स नॉट। सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिसइंटीग्रेशन इज नॉट इंक्रीज, मीन्स नॉट इंक्रीज मीन्स वॉट? समथिंग विच इज टू बी डिक्रीज। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सॉइल है वो कैसे बनता है? रॉक्स को
रॉक्स को रॉक्स जब टूट जाते हैं तो उसके टूटने से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है जो कि कंबाइन करके सॉइल की डेफिनेशन बनाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हाउ वी डिफाइन द सॉइल। तो सॉइल इज़ द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल, ओके। सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मटीरियल विच कंप्राइज ऑफ सॉलिड वाटर एयर और बोथ और ऑल एंड फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द सॉइल, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो सॉइल का बनने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है जो सॉइल बनता है वो बनता है प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस, ओके। सो पेडोजेनेसिस इज व्हाट, ये एक टर्म है जो कि डिफाइन करती है स्पेसिफिकली सॉइल के बनने को, ओके। तो पेडोजेनेसिस इज व्हाट, इट इज द टर्म विच डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ओके। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है एंड दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। देखते हैं कि कैसे, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। और ये जो सॉइल के बनने की साइकिल है इसको हम बोलते हैं, इस साइकिल को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो तीन पॉइंट्स हमने सॉइल की डेफिनेशन में देखे और तीन पॉइंट यहां है। फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस, इट इज द साइक्लिक प्रोसेस एंड द साइकिल नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल, ओके। सो देखते हैं कि ये जियोलॉजिकल साइकिल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मींस हाउ वी रिप्रेजेंट द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। तो सबसे पहले साइकिल में रॉक फॉर्मेशन, देखो जियोलॉजिकल साइकिल हम अच्छी तरह समझेंगे बिकॉज ये सॉइल की स्टार्टिंग है। मींस अगर यही नहीं पता कि सॉइल बनता कैसे है तो उसके बारे में फिर आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सॉइल की जो ओरिजिन है वो कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रॉक फॉर्मेशन, मींस हमारे पास कोई भी रॉक है या रॉक माउंटेन है तो रॉक फॉर्मेशन से हमारा इरोजन हुआ, इरोजन, ओके। सो हमारे पास कोई भी माउंटेन है, कोई भी रॉक है, उस रॉक उस माउंटेन में कोई भी फिजिकल एक्शन हुआ या केमिकल एक्शन हुआ। फिजिकल एक्शन मींस द ब्लो ऑफ विंड, द फ्लो ऑफ वाटर और एनीथिंग, ठीक है। और केमिकल एक्शन मींस उसकी जो हमारा रॉक है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ गया नेचुरल क्लिमिटीज की वजह से। तो उस चेंज की वजह से क्या होगा, वो जो रॉक होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मींस वो रॉक टूट जाएगा, वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, उस चीज को हम बोलते हैं इरोजन। तो रॉक फॉर्मेशन हमारा रॉक था उससे हमारा इरोजन हो गया, मींस जो हमारा रॉक था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, इरोजन। टूटने के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मान लो ये कोई माउंटेन था, रॉक माउंटेन, यहाँ पर बोल्डर्स थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल एक्शन या केमिकल एक्शन की वजह से ये यहाँ पर इरोजन हो गया, इरोजन हो गया मींस ये जो मास था ये यहाँ से इरोड हो गया, मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो यहाँ पर कोई रिवर है या रिवर भी नहीं है तो मतलब विंड ब्लोइंग करती है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे ये अपनी यहाँ से फिर मूव करके दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मूव क्यों कर रहे हैं, रॉक क्यों नहीं मूव कर रहा था, ये पार्टिकल्स इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि इनका मास कम है, इनका वॉल्यूम कम है और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स की फॉर्म में हैं, ठीक है, इसलिए ये मूव करते हैं आइदर बाय द एक्शन ऑफ वाटर और बाय द एक्शन ऑफ एयर। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज रॉक फॉर्मेशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन मींस अगर हमारे पार्टिकल यहां से मूव करे और किसी दूसरे पॉइंट पर गए
उस पॉइंट पर जाकर डिपॉजिट हो गए तो वहाँ पर वो सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, जब डिपोजिशन होते रहे, जब डिपोजिशन हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, वहाँ पे फिर रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। रॉक फॉर्मेशन टू इरोजन, इरोजन टू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन टू डिपोजिशन, एंड डिपोजिशन टू अगेन रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारी जियोलॉजिकल साइकिल है, रॉक के बनने का प्रोसेस है, सॉइल के बनने का प्रोसेस है कि सॉइल बनता कैसे है। जैसे कि हम बात करें जो डेजर्ट एरिया है हमारे, जैसे कि थार डेजर्ट है राजस्थान में, तो वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी साइकिल के थ्रू होता है। ये साइकिल जितने भी हमारे इन्वायरमेंट है, हर इन्वायरमेंट में एप्लीकेबल है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रॉक फॉर्मेशन है, रॉक है, तो वो रॉक एयर की वजह से जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, मीन्स उसका इरोजन हो गया। उसके इरोजन के बाद वो विंड की वजह से मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, विच इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद किसी सर्टेन फोर्स की वजह से या विंड की ही वजह से वो डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज रॉक फॉर्मेशन। मीन्स आपने देखा होगा कि राजस्थान में जहाँ थार डेजर्ट है, वहाँ पर सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है, वो भी सॉइल का टाइप है, और बना कैसे, इसी साइकिल के थ्रू बना सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो हमारा सॉइल है, वो टर्म जो हम सॉइल पढ़ते हैं, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर कार्ल टर्ज़ागी, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो जो कार्ल टर्ज़ागी थे, उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स की साइंटिफिक स्टडी की और उस पर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था अर्थभू मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो याद करने वाली बात है वो है कि हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। द आंसर इज डॉक्टर कार्ल टर्ज़ागी। एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट बुक विच इज़ रोट बाय कार्ल टर्ज़ागी? द आंसर इज अर्थभू मैकेनिक्स। ठीक है, एक मार्क से क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास सॉइल होती है वो सब की सब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनती है। ओके, सो ये जो रॉक डिसइंटीग्रेट हुआ, उस मटेरियल को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल। ठीक है, मान लो ये कोई रॉक है। ओके, दिस इज द रॉक, दिस इज द रॉक फॉर्मेशन। इस रॉक से हमारा इरोजन हुआ, तो ये मटेरियल जो हुआ इससे डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये जो मटेरियल डिसइंटीग्रेट होगा, इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल, विच इज ऑल्सो नोन एज सेडिमेंट। ठीक है, तो जो ये हमारा डिसइंटीग्रेटेड रॉक मटेरियल है, इसको हम सेडिमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो सेडिमेंट है, यहाँ पर ये जो सेडिमेंट है, ये या तो मूव करेगा या मूव नहीं करेगा। मींस खुद तो मूव करेगा नहीं, तो कौन करेगा, कोई इसको कौन मूव कराएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स मूव कराएगी। ठीक है, तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो हमारे रॉक से सॉइल टूट के नीचे गिरा, ये या तो अपनी फिक्स पोजीशन पर ही रहेगा या फिर यहाँ से मूव करके किसी दूसरी पॉइंट पर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये यहीं रहता है, मींस इरोजन के बाद जो हमारे पार्टिकल्स नीचे आए वो यहीं पर ही रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। मींस मीन्स सॉइल फॉर्मेशन हुआ और वो अगर मूव नहीं कर रहा है अपने ओरिजिनल पॉइंट पर ही है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। लेकिन अगर ये बाय द एक्शन ऑफ एयर और बाय द एक्शन ऑफ वाटर मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, तो ये भी एक टाइप का सॉइल क्लासिफिकेशन है। तो सॉइल कैन बी क्लासिफाई इंटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज द रेसिडुअल सॉइल एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। समझ आ गया कि कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, कि अगर सॉइल, मान लो कोई रिवर जा, यहाँ से रिवर बह रही है, ठीक है, तो लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड होने के बाद ये जो अर्थ का मास था वो रिवर में गिर गया। ठीक है,
रिवर में गिर गया, तो रिवर में गिरा तो रिवर एक फ्लोइंग रिवर फ्लो कर रही है, तो ये जो मटेरियल है फ्लो करके दूसरी दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा या किसी दूसरे एरिया में चला जाएगा, तो वहाँ पर जो सॉइल बनेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फेज डायग्राम, ठीक है, तो फेज डायग्राम का एक हल्का सा आइडिया तो ऑलरेडी दे दिया, लेकिन एक्चुअल में देखते हैं कि फेज डायग्राम होता कैसे क्या है और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि फेज डायग्राम में मेनली रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ डायग्राम। फर्स्ट वन इज द थ्री फेज डायग्राम एंड सेकेंड वन इज द टू फेज डायग्राम। ओके, तो जो थ्री फेज डायग्राम है, फेज का मतलब क्या होता है, फेज मीन्स स्टेट, मीन्स इसके अंदर तीन स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। थ्री फेज स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी हमारे पास सॉइल सैंपल है तो डायग्राम में जो फेज डायग्राम होता है उसमें थ्री फेज का मतलब तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उन तीनों को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉलिड को रिप्रेजेंट। दिस इज सॉलिड, मींस हमारे पास कोई भी सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है वो हम अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले सॉलिड हुआ, उसके बाद जो बचा वो वॉइड्स है, मींस वॉइड्स में वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, तो सेकंड नंबर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को और थर्ड नंबर पर एयर को। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज डायग्राम। अब हम देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये जो है, हाँ, जो भी हमारा डायग्राम होगा, डायग्राम के लेफ्ट साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम और डायग्राम के राइट हैंड साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे इसका वेट, ठीक है। तो फर्स्ट ये हुआ, इसको बोल दें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच आई एम रिप्रेजेंटिंग विद वी एस। ओके, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर वी ए, वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी एस, ठीक है। यहाँ पर हम सेम वेट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वेट ऑफ सॉलिड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एस, वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू एंड वेट ऑफ एयर दैट इज डब्ल्यू ए। वेट ऑफ एयर क्या होता है, वेट ऑफ एयर कुछ नहीं होता तो ये जीरो होगा, वेट ऑफ एयर इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है और वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, सो ये हमारा हुआ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो इसको लिख सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ओके, ये हमारा वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है और सेम हम वेट में कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थ्री फेज डायग्राम। ओके, अब देखते हैं टू फेज डायग्राम। तो जो टू फेज डायग्राम होगा इसमें हमारे दो फेज होंगे, तो दो फेज में दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहला या तो सॉलिड कंबाइन होगा वाटर के साथ या हमारा सॉलिड कंबाइन होगा एयर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर वाटर और एयर दोनों आपस में कंबाइन हुए तो हमारा सॉइल नहीं बनेगा क्योंकि उसमें सॉलिड पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सॉलिड प्लस वाटर एंड सेकंड कॉम्बिनेशन इज सॉलिड प्लस एयर। तो सॉलिड प्लस वाटर देखते हैं, सॉलिड प्लस वाटर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। और जो सॉलिड और एयर को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवन ड्राई सॉइल। देखते हैं इनके नाम, ओवन ड्राई सॉइल, ठीक है। तो फेज रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें दो फेज होंगे, पहला जो होगा वो सॉलिड होगा और जो सेकंड फेज होगा वो हमारा क्या होगा, सेकंड फेज हमारा होगा वाटर। ओके, तो सॉलिड और वाटर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम, दिस इज
Vs, volume of solid. This is Vw, volume of water. And total volume is volume of solid plus volume of water. अब यहाँ पर सॉलिड के वॉल्यूम के अलावा जो भी वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके इक्वल होगा? यहाँ पर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो यहाँ पर जीरो है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ओके। सो दिस कैन बी रिप्लेस बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ओके। यहाँ पर क्या था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स? यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड था वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज डायरेक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। देखते हैं ओवन ड्राई सॉइल, हाँ, इसका नाम सैचुरेटेड सॉइल क्यों है? सैचुरेटेड सॉइल इसलिए है कि जो हमारा सॉइल है उस सॉइल को हमने क्या करा, एक सॉइल का सैंपल लिया, हाथ में सॉइल लिया और उसको हमने वाटर में डिप कर दिया, ठीक है। तो उस सॉइल के अंदर जितने भी वॉइड्स होंगे उनमें कुछ वॉइड्स में तो मॉइस्चर कंटेंट पहले से होगा और जिसमें नहीं है उसमें एयर होगी। तो जैसे ही हमने वाटर के अंदर डिप किया तो जो एयर है वो एयर स्पिल आउट हो जाएगी और उस वॉइड्स में भी वाटर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा सॉइल के अंदर अब क्या है, अब हमारा सॉलिड पार्ट है और पहले एयर थी, एयर तो हमारी स्पिल आउट हो गई, अब क्या बचा, वाटर बचा, ठीक है। तो ये हमने सॉइल को क्या किया, हमने सॉइल को सैचुरेट कर दिया, सो इसलिए हम इसका नाम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल, ओके। और इसी तरह ओवन ड्राई सॉइल का मतलब ड्राई, ओवन मींस हमने, हमारे पास कोई भी सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल के अंदर सॉलिड भी है और वॉइड्स हैं, वॉइड्स में क्या है, वॉइड्स में मॉइस्चर भी है और एयर भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मॉइस्चर क्या हम रिमूव कर सकते हैं? हाँ, आंसर है यस, हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मॉइस्चर रिमूव करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, तो हम वो देखेंगे अगले लेक्चर्स में। लेकिन एक जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है ओवन ड्राई मेथड। ओवन का मीन, हमारे पास एक ओवन होता है, उसमें हम सैंपल को रखते हैं 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, और 24 आवर बाद जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्टिबल होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ड्राई सॉइल, ठीक है। तो इसको हम फेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो टू फेज है ओवन ड्राई सॉइल, तो ऑब्वियसली दो फेज होंगे, ओके। जो फर्स्ट फेज है वो फिक्स है सॉलिड, और जो सेकंड फेज है वो है एयर, ओके। रिप्रेजेंटेशन सेम होगा कि जो भी डायग्राम है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। राइट हैंड साइड पर वेट, दिस इज द वेट ऑफ एयर एंड दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर क्या होता है? वेट ऑफ एयर, एयर का कोई वेट नहीं होता, तो वेट ऑफ एयर इज जीरो। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि सॉलिड के वॉल्यूम के अलावा जो वॉल्यूम बचा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन ओवन ड्राई सॉइल। सो वी इज इक्वल टू वी एस प्लस वी वी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेज डायग्राम, ओके। तो ये फेज डायग्राम था। अब फेज डायग्राम के बाद हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा कि जो ओवन ड्राई सॉइल है इसको हम कैसे सॉइल को हम कैसे ड्राई करते हैं, ठीक है। और जब हम ड्राई करते हैं तो कितने टाइप के वाटर जो है वो रिमूव होते हैं और कौन सा वाटर है जो रिमूव नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसमें एक्चुअली टाइप्स ऑफ वाटर देखेंगे, टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, कि सॉइल के अंदर टोटल कितने टाइप के वाटर प्रेजेंट हैं, और ओवन ड्राई जब हम प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। टाइप्स ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, ओके। तो सॉइल में मेनली चार टाइप के मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं। पहला हमारा है ग्रेविटी वाटर, दूसरा हमारा है कैपिलरी वाटर, तीसरा हमारा जो है
पहला हमारा हो गया ग्रेविटी वाटर, दूसरा कैपिलरिटी वाटर, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और जो फोर्थ होता है वो हमारा होता है स्ट्रक्चरल वाटर। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो है वो है ग्रेविटी वाटर। अब ग्रेविटी वाटर क्या होता है? ग्रेविटी वाटर हमारा होता है, ग्रेविटी वाटर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो अभी हमारे सॉइल होता है, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे जो भी सॉइल है इसमें हमारे जो पोर्स होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक हमारा होता है मैक्रो पोर्स, दूसरा हमारा होता है माइक्रो पोर्स। मैक्रो पोर्स मीन्स जिन पोर्स का जो डायमीटर है, जो साइज है वो बड़ा है, और माइक्रो मीन्स जिनका पोर्स का जो डायमीटर है होता है वो छोटा होता है। तो मैक्रो पोर्स और माइक्रो पोर्स, ठीक है। तो जो ग्रेविटी वाटर होता है, ग्रेविटी वाटर ये होता है, ग्रेविटी वाटर जो होता है उसका मतलब होता है कि जो मैक्रो पोर्स और माइक्रो पोर्स दोनों को फिल कर दे उसको हम ग्रेविटी वाटर बोलते हैं, और जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेटल हो जाए, ठीक है। तो मान लो ये सॉइल है, हमने इरिगेशन किया, ठीक है, हमने लैंड पर क्या किया, इरिगेशन किया। इरिगेशन करने के बाद हमारा जो वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा, इन्फिल्ट्रेट कैसे हो रहा है, इन्फिल्ट्रेट हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इन्फिल्ट्रेट हुआ, इन्फिल्ट्रेट होने के बाद ये जो भी ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से जा, ग्राउंड लेवल में जाके मिल गया, ठीक है। तो मींस इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर वो वाटर है जो कि ग्रेविटी के एक्शन के थ्रू इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और सॉइल में नहीं रहता, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो भी हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में जो ग्रेविटी वाटर है उसका कोई रोल नहीं होता। उसका रोल क्यों नहीं होता, क्योंकि जो प्लांट की रूट्स होती है वो ग्रेविटी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि ये ग्रेविटी के एक्शन के थ्रू ज्वाइन कर लेता है ग्राउंड वाटर को, ठीक है। तो ये ग्रेविटी वाटर होता है। दूसरा जो टाइप का वाटर होता है वो होता है हमारा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो कि सिर्फ माइक्रोपोर्स में रहता है, मींस मैक्रोपोर्स में कोई वाटर नहीं रहेगा और माइक्रोपोर्स में जो वाटर रहेगा उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। यही समझ लेते हैं। तो ये हमारा सॉइल है, ओके, मान लो ये हमारा कोई भी ट्री है और ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। तो इस सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी टेंशन जनरेट होगा और उसके थ्रू रूट्स तक जाएगा, जो इसकी रूट जोन है रूट तक जाएगा। इस रूट के थ्रू द जाइलम और फ्लोएम ये लीव्स में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो कि कैपिलरी जो होती है कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करता है और जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनमें मूव करता हुआ रूट्स तक जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्लांट की ग्रोथ है उस ग्रोथ में कौन सा वाटर यूजफुल है उसमें कैपिलरी वाटर यूजफुल होता है, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड टाइप का वाटर है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब होता है कि वो वाटर, मान लो ये कोई सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल पार्टिकल है, तो जो वाटर इन पार्टिकल्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाए उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल्स था तो वाटर ने क्या किया कि इस पार्टिकल के अलोंग इस पार्टिकल के सरफेस पर एक लेयर बना दी, ठीक है। तो हर पार्टिकल में ऐसे ही लेयर बनेगी, तो इस ये जो वाटर यहाँ पर एड्जॉर्ब हुआ उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये वाटर भी जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उनमें यूजफुल नहीं होता, ठीक है। जो फोर्थ वाटर होता है वो होता है स्ट्रक्चरल वाटर। देखो स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल वाटर वो वाटर होता है जो कि किसी भी, देखो सॉइल के अंदर क्या हुआ, सॉलिड है, वाटर है और एयर है, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्ट है उस सॉलिड पार्ट के अंदर भी वाटर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कि जो सॉइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है उसको फॉर्म करना,
ठीक है, ये जो सॉइल का पार्टिकल है, इस पार्टिकल के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक है, अगर इस सॉइल पार्टिकल के अंदर से ये स्ट्रक्चरल वाटर किसी भी तरह रिमूव हो गया, तो ये जो सॉइल का पार्टिकल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी हम जब भी ओवन ड्राई करेंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर है ये रिमूव ना हो जाए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल वाटर हमारा रिमूव हो गया तो हमारा पूरा सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम देखते हैं कि जो हम ओवन ड्राई प्रोसेस करेंगे उसमें ये जो तीन टाइप के वाटर हैं, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये रिमूव होते हैं। ठीक है, और ये रिमूव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो हम टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ओवन ड्राई प्रोसेस जब हम परफॉर्म करते हैं, तो वो टेम्परेचर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अलग होता है और जो इनऑर्गेनिक सॉइल है उसके लिए अलग होता है। तो मेनली जो इनऑर्गेनिक सॉइल है उसके लिए ये जो टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं ड्राई के टाइम पर, वो हम रखते हैं 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखते हैं। ओवन ड्राई मेथड, ठीक है, तो जो वाटर कंटेंट है सॉइल का, वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं, ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, काफ़ी सारे मेथड हैं, तो वो मेथड हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो ये मॉइस्चर चल रहा है ना, कितने टाइप के मॉइस्चर हैं, और जो ओवन ड्राई मेथड है इसमें कितने टाइप के मॉइस्चर को हमें रिमूव करना है और किसको नहीं करना है, तो इसलिए जो ये एक मेथड है ओवन ड्राई मेथड, मेनली इसको ही हम परफॉर्म करते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए। तो ये देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो जो हमारा है ओवन ड्राई मेथड, ओवन ड्राई मेथड में जो हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल को हम जब भी रखते हैं ओवन के अंदर, तो हम टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं वो करते हैं 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हमारा जो टेम्परेचर अनकंट्रोल हो गया, मीन्स टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो भी रिमूव हो जाए। और अगर सॉइल का स्ट्रक्चरल वाटर भी रिमूव हो गया तो जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी ओवन ड्राई मेथड हम परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल होता है उसको 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करते हैं। ठीक है, सेकंड, जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल होता है, जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है उसको हम हीट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल होता है ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल हमारा बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मटेरियल से। ठीक है, तो इसको हम जो हीट करते हैं वो करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो ये था, तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि सॉइल का ओरिजिन क्या है और सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, और जो हमारे टाइप्स ऑफ वाटर पढ़े हमने सॉइल में। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, मीन्स जैसे कि एलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, जितने भी टाइप के सॉइल हैं वो पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि इंडिया में कौन सा सॉइल किस जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ से मे बी एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्या था, इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट ये था कि हमें टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में पता होना चाहिए, और जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज डायग्राम को वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।